नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे घर में थोड़ी सी फिटिंग का काम चल रहा है। तो ये जो पुराने रैक्स थे जो मैंने किचन में डीआईवाई करके लगाए थे, ये जो रैक्स है वो आयरन के हैं और इसको मैंने वाइट पेंट करके उस पर डायमंड शेप के मिरर्स स्टिक किए थे और वो बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन इससे किचन का जो लुक है थोड़ा हैवी लग रहा था, तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे अभी ग्लास के स्लैब्स लगाने वाली हूँ। तो इसको हम निकाल रहे हैं। इसको निकालना थोड़ा सा टफ है क्योंकि वो जो बॉम्बे नेल्स होते हैं ना, मैंने उससे इसे फिट किया था तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली फिट हो गया था। सो अभी मेरे हस्बैंड निकाल के दे रहे हैं और क्योंकि आज उन्हें छुट्टी है तो ग्लास के स्लैब्स वगैरह जो भी हैं वो सब वही करके देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मिरर लगाए हैं और इसको वॉश करना भी थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इस पर अगर हम पानी से इसे वॉश करें बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो रस्ट हो जाने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं नेल्स के, वो हम बाद में वॉल पुट्टी से फिक्स कर लेंगे। सो अभी मेरे हस्बैंड जितने भी मेजरमेंट्स है, कहाँ ड्रिल करना है, कहाँ स्लैब्स फिट करने हैं, तो उन सब के मेजरमेंट्स ले रहे हैं। पृथ्वी यहाँ खेल रहा है और आपको हमारा जो लिविंग रूम है वो थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा क्योंकि हमारा जो सोफ़ा है वो हमने बाहर रखा है थोड़ी सी धूप देने के लिए और जो ड्रिल का काम होगा उससे धूप भी उससे गिरेगी, तो इस वजह से हमने बाहर रख दिया है। और पृथ्वी ड्रिल मशीन की आवाज़ आते ही वो कान बंद कर लेता है। वो ऐसे ही अगर उसको मिक्सर ग्राइंडर भी स्टार्ट होता है तो वो कान बंद कर देता है, बहुत आवाज़ आ रही है बोलता है। सो हमने इस तरह से ब्रैकेट्स लाए हैं। इन ब्रैकेट्स को फिट करने के बाद इसके अंदर इसका जो स्लॉट है उसमें जो ग्लास का स्लैब है उसको फिट करके स्क्रू फिट करना होता है। तो अभी टीवी के ऊपर नीचे लग चुके हैं, फिर कॉर्नर में लगाना है तो वो भी अभी लग जाएंगे। सो गाइस कॉर्नर में भी स्लैब्स लग चुके हैं और वो बहुत अच्छा लग रहा है। डेकोरेटिव आइटम्स तो बाद में इस साइड एक ही लगा है, एक बाकी है क्योंकि मेरे जो ससुर है फादर इन लॉ उनका बर्थडे था तो हमने सोचा वो बाद में हम कर लेंगे। एंड अभी हम जा रहे हैं पृथ्वी को लेने के लिए और उसके बाद हम जाने वाले हैं शेंद्रा। शेंद्रा में बहुत बड़ा मेला होता है, मतलब मेरी शादी को 4 साल हो गए, मैंने अभी तक वो मेला देखा नहीं है क्योंकि उसके बाद 2 साल लॉकडाउन था तो मेला ही नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी बजे है 7 और हम पृथ्वी को लेके जा रहे हैं तो उसका भी फर्स्ट टाइम होने वाला है जब वो मेला देखेगा। सो अभी हमने पृथ्वी को ले लिया है, वो मम्मी पापा के पास था 2 दिन से और अब हम निकल चुके हैं। अभी बजे है 8, बहुत लेट हो गया, लेकिन मेला रात को 12 बजे तक चालू रहता है तो तुम चलो चलो बाय बाय मैम इकड़े इकड़े तो चलो बाय बाय मेला देखेंगे बाय मेला देखेंगे मन्ना पुड़ा तो ये मेरी छोटी सास का घर है। मेरी जेठानी, जेठ, मेरी छोटी सास वो सब भी हमारे साथ आने वाले हैं और मेरी जेठानी के भाई बहन भी आए हैं स्पेशली इस मेले के लिए। साल में एक बार होता है 3 दिन के लिए और दिन रात वो चालू ही रहता है। आज थोड़ी भीड़ कम थी तो सोचा हम आज ही आके जाते हैं। तो वहाँ जाके झूले खेल के बहुत मज़ा आया क्योंकि 4 साल बाद मैंने ये सब झूले खेले हैं। ऑब्वियसली औरंगाबाद में इससे बड़े झूले तो मिलने वाले हैं नहीं, सिर्फ कर्णपुरा में आते थे तो वो भी लॉकडाउन की वजह से 2-3 साल मेला ही नहीं लगा। तो
पृथ्वी भी छोटे झूले में बैठा है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वो छोटे झूले में बैठा है। इससे पहले हम उसे एक बार फ्रोजन में लेके जाना चाहते थे वहाँ के जो गेम्स है वो खिलाने के लिए, बट उसके पैर में चोट थी तो कैंसिल हो गया। अभी भी उसके पैर में चोट है बट काफ़ी बेटर है। उस दिन हम रात को 2 बजे तक मेले में झूले झूल रहे थे तो वहीं पर रुक गए थे, मतलब हमारा जो शेंद्रा में घर है हम वहीं पर रुके थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, और दूसरे दिन वापस आए थे घर पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। Thank you.